अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुधींद्र पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लेयर ऑफ नंबर्स। दोस्तों, मैंने बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चन चुने हैं जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज से वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना और मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। हाउ इट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रेवल टूवर्ड्स ए। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए, हामिद वुड हैव टू कैच हिम आफ्टर 3 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पे कंडीशन क्या दिया है दोस्तों, प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट। पहला कंडीशन दिया हुआ है हामिद ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रेवल टूवर्ड्स ए। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट। टोटल डिस्टेंस कितना है ए एंड बी के बीच में, 30 किलोमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, अगर सपोज ए एंड बी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और वो 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 मिनट में वो मैं फाइंड करूंगा और बी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 मिनट में वो मैं फाइंड करूंगा। वो दोनों फाइंड करने के बाद इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी इज इक्वल टू कितना, 30 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट हामिद मोटरसाइकिल्ड एट एक्स किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ मोटरसाइकिल्ड एट वाई किलोमीटर पर आवर। तो टर्म क्या होगा, When they travelled in opposite direction to meet each other, they meet after 20 minutes. 20 मिनट दिया है बट मैंने यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर अज्यूम किया है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 20 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टर्म क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाई हामिद इन 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 आवर। सो दैट इज बिकम x इंटू 1/3 बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टर्म हो जाएगा x अपॉन 3 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 20 मिनट दैट इज इक्वल टू 1/3 आवर दैट इज आल्सो इक्वल टू वाई इंटू 1/3। ए भी हो जाएगा दोस्तों वाई अपॉन 3 किलोमीटर। एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो मेरा इक्वेशन नंबर वन क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। मतलब अगर सपोज ए यहां पे है और बी यहां पे है, तो अगर ए ने यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी ने यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया तभी एक दूसरे को यहां पे मिलेंगे, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी मैं करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 30 किलोमीटर मिलेगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया है दोस्तों, यहां पे टर्म दिया है इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ए जिस डायरेक्शन में आ रहा था वो उसी डायरेक्शन में जाएगा और जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब पहले टूवर्ड्स ए जा रहा था अब टूवर्ड्स सी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहां पे टर्म क्या दिया है, हामिद वुड हैव कैच हिम आफ्टर 3 आवर। अगेन वही हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सपोज अगर दोस्तों मैं अज्यूम करूं ए एंड बी सी पॉइंट में मिलते हैं, तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये स्टेप आपको समझ में आया दोस्तों, मतलब मैं बोल सकता हूं अगर जो डिस्टेंस ए क्या है, हामिद है, हामिद जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। तो मतलब मैं बोल सकता हूं हामिद फ्रॉम पॉइंट ए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब 30 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ। तो कंडीशन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद इज इक्वल टू 30 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ। चलिए समझते हैं और भी डिटेल में दोस्तों इसको।
When they traveled in same direction, they meet after 3 hours. So therefore, पहले हम लोग जोसेफ एंड हामिद की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो टर्म क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई हामिद इन 3 hours इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू 3x किलोमीटर, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई जोसेफ इन 3 hour इज इक्वल टू y इंटू 3, दैट इज बिकम 3y किलोमीटर। अगेन समझते हैं दोस्तों, अगर मैं a एंड b एक रोड ड्रॉ करता हूं जहां पे a एंड b के बीच की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अज्यूम करें वो पॉइंट c पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो मतलब मैं बोल सकता हूं हामिद की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, बिकॉज हामिद ए से स्टार्ट कर रहा है, और जोसेफ का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल बाई हामिद इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाई जोसेफ, मतलब डिस्टेंस ऑफ बी सी, और डिस्टेंस ऑफ हामिद क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए सी है। तो टर्म क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 30 प्लस 3y, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, मुझे मिलेगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। सो देयरफॉर इफ वी सॉल्व दिस, हियर वी गेट x माइनस y इज इक्वल टू 10, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिला था, इक्वेशन नंबर 1 मिला था x प्लस y इज इक्वल टू 90, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था दोस्तों। अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करो, यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे माइनस वाई है और यहां पे प्लस वाई है, मतलब वाई का कोएफिशिएंट भी इक्वल है और साइन भी क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, तो टर्म क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो टर्म हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 90 प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 10। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, टर्म होगा 2x इज इक्वल टू 100, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 50 इन इक्वेशन नंबर 1, तो टर्म क्या होगा, 50 प्लस y इज इक्वल टू 90, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 40। मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, 40 मिली, और मुझे फाइंड क्या करना था, स्पीड ऑफ हामिद एंड स्पीड ऑफ जोसेफ। सो देयरफॉर हामिद ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज यहां पे मुझे x इक्वल टू 50 मिला है, 50 किलोमीटर पर आवर मिला है, और y कितना मिला है, 40, तो ये भी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, एंड जोसेफ ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हॉट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद दोस्तों।